यहाँ पे क्लिक करके हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा ईज ऑफ एक्सेस। ईज मतलब आसानी, मतलब आसानी से इस्तेमाल किस चीज का, नरेशंस, मैग्नीफायर, हाई कंट्रास्ट वगैरह का। मतलब देखते हैं कि हम अपने जो विजुअलाइजेशन है स्क्रीन की, जो एडजस्टमेंट है, उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है मेक टेक्स्ट बिगर। ये जो आप देख रहे होते हैं ना, आपके जो टेक्स्ट नजर आ रहे होते हैं डेस्कटॉप पर, यहाँ जो लिखे हुए टेक्स्ट आ रहे हैं, नरेशंस लिखी हुई होती हैं, आइकन्स के नाम होते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर आप टेक्स्ट को मजीद लार्जर करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए इसको बढ़ाइए और इसको अप्लाई कीजिए। जैसे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो टेक्स्ट है पहले से इम्प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे और अपने हिसाब से 104 पे रखते हैं तो आपकी जो टेक्स्ट है मजीद स्मॉलर हो जाएंगे। तो आप अपने स्क्रीन के एडजस्टमेंट अपने फोकस और अपने विजुलाइजेशन के अतबार से सेट कर लें, ताकि आपको जैसा आपके स्क्रीन पर सही लग रहा है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। दूसरा, इसी चीज को हम जो नीचे अगर देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है ब्राइटनेस का, मेक एवरीथिंग ब्राइटर। तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस लैपटॉप की अपनी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अपने ब्राइटनेस जो है लैपटॉप की आप कम ज्यादा कर सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर की नहीं कर सकते। उसकी एलसीडी में बटन दिए हुए नीचे, उसकी ब्राइटनेस वहां से कंट्रोल होगी। तो कभी भी अपने कंप्यूटर की ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट करना हो तो वो यहाँ से की जा सकती है लैपटॉप की। बाकी डेस्कटॉप कंप्यूटर की ब्राइटनेस के लिए देखिए नीचे इसमें बटन दिए हुए, इन्हीं मेन्यूज वगैरह को खोल के यहाँ से आप कर सकते हैं। और फिर आते हैं सेकेंड ऑप्शन है माउस पॉइंटर के ऊपर। ये मेरा माउस पॉइंटर है, आप देख रहे हैं काफी लार्ज नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ से कम की जा सकती है। सिमिलरली आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं, कितना बड़ा चाहे कर सकते हैं अपने अतबार से, जो आपको स्क्रीन पे फोकस सेट लगे वहां पर आप इसको एडजस्ट कर लें। फिर इसके कलर कॉम्बिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे व्हाइट पर ब्लैक नजर आए, ब्लैक पर व्हाइट और व्हाइट पर ब्लैक नजर आए, तो ब्लैक ब्लैक पर व्हाइट हो जाएगा और व्हाइट पर ब्लैक हो जाएगा। या फिर किसी और कलर कॉम्बिनेशन में आप देखना चाह रहे हैं, फिर ये आपको उस कलर में नजर आएगा, लाइट सिक्स इस टाइप के कलर में या फिर इस कलर में, तो उस तरह से फिर ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, और व्हाइट पर व्हाइट, तो फिर यहाँ से आप इसको टिक कर सकते हैं। फिर चलते हैं इसको नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, जो कि हमारा टेक्स्ट कर्सर के अतबार से। सो वॉट इज कर्सर? अब कर्सर हम कहते हैं, देखिए ये जो एक इंडिकेटर आ रहा होता है, ये देखिए ये वाला इंडिकेटर, इसको कर्सर कहते हैं। कर्सर लेट अस नो वेयर टू टाइप। कर्सर हमें ये गाइड करता है कहाँ पे टाइप करना है और कहाँ पे टाइप नहीं करना। तो इसके हवाले से हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। टेक्स्ट कर्सर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके आप चले जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, टर्न टेक्स्ट। तो कर्सर की जो थिकनेस है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये देखिए यहाँ पर कर्सर की थिकनेस का एडजस्टमेंट किया जा सकता है। मैं फिर से आपको एक दफा नोटपैड खोल के बता देता हूँ कि आपको सही तरह समझना आ जाएगा। तो समटाइम अभी कर्सर का जो थिकनेस लेवल है आपका वो ये है जो दिखाई दे रहा है, तो इस लेवल को हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से भी क्लिक किया और ये इधर ले गया, तो अब देखिए कितना थिक हो गया आपका कर्सर। एंड देन इसको फिर से थिन करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ये थिन हो गया। तो जैसा आपको बेहतर लगता है वो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा रहा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर बेसिकली ये वाला जो ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे, ये आपके विंडोज 10 में जब आएगा, जब विंडोज 10 आपका अपडेट हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं होता ये, हर विंडोज 10 में अपडेट होने के बाद आ जाता है। इंडिकेटर में क्या होता है कि एक और कर्सर के साथ आपके साथ एक और ये इंडिकेटर ऐड कर दिया जाता है, उसकी इंडिकेटर की थिकनेस यहाँ से सेट कर लें, तो कर्सर के ऊपर दो पॉइंट आ जाते हैं। आप जैसे टाइप करते जाएंगे आगे बढ़ जाएगा, मजीद फोकस आपका सेट रहेगा। हाँ भाई मेरा कर्सर यहाँ, इसके कलर्स वगैरह को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। फिर हम आते हैं मैग्नीफायर की तरफ। मैग्नीफायर ग्लास आपने देखा होगा, कोई एक्सपेरिमेंट ग्लास जो जूम करके दिखाता है चीजों को, उसके अलावा से क्या होते चलते हैं। तो यहाँ से टर्न ऑन मैग्नीफायर ग्लास को जैसे हम टर्न ऑन करेंगे तो ये मैग्नीफायर ऑन हो जाएगा, तो आपकी स्क्रीन को फोकस हो जाएगी, मतलब जूम हो जाएगी। अब ये ओवर इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो कितना परसेंट आपको इसको जूम करना है यहाँ से बढ़ाते जाए, जूम लेवल बढ़ता जाएगा, आपको हर चीज उतनी जूम होकर नजर आएगी स्क्रीन पर, कोई भी चीज फोकस करनी हो, दिखाना हो। और अगर आप इसको जूम आउट करेंगे तो यहाँ से ये ऑफ होता चला जाएगा। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, जैसे कि नीचे आइए तो यहाँ पर कह रहा है कि विद इन इंचेस ऑफ स्क्रीन, सेंटर्ड ऑन द स्क्रीन, और चूज एंड मॉडिफायर। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंटर्ड ऑन स्क्रीन कर देंगे तो ये सेंटर्ड स्क्रीन कर देगा, और देखिए
स्क्रीन के सेंटर को पूरा यहाँ पे कवर करेगा और विद इन द एजेस ऑफ स्क्रीन तो ये फिर उसके हिसाब से दिखाएगा। फिर हाइव मैग्नीफायर फॉलो, क्या ये माउस को फॉलो करे तो देखिए ये माउस को फॉलो कर रहा है, चेक हटा देंगे, ये माउस को फॉलो नहीं करेगा, चेक लगा देंगे तो माउस को फॉलो करेगा। ठीक है, कीबोर्ड को फोकस करें, अब जब टाइप करेंगे आप तो कीबोर्ड को फोकस करेगा, ये देखिए अगर चेक हटा देंगे तो कीबोर्ड को फोकस भी नहीं करेगा। टेक्स्ट कर्सर को फोकस करे नहीं करे, नैरेटर कर्सर को फोकस करे नहीं करे, तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इतने आप यूज टू नहीं होते लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये दो तीन चेक्स हैं इनको समझ लें, स्टार्ट मैग्नीफायर आफ्टर साइन इन और स्टार्ट मैग्नीफायर बिफोर साइन इन फॉर एवरीवन, यहाँ दो चीजें अगर इन पे आपने चेक लगा दिया तो भाई होगा ये कि जैसे ही आपका विंडो 10 स्टार्ट होगा लॉगिन विंडो पे आएगा मैग्नीफायर ऑन हो जाएगा, वो स्क्रीन जूम कर देगा वो आपकी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो और मैग्नीफायर लॉन्च हो जाए तो इन दोनों पे चेक लगा दे, ये लॉगिन होने के बाद, ये लॉगिन होने से पहले, ठीक है। और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर भाई इसको ऑफ ही रखें। इनवर्ट कलर पे चेक लगा दिया तो फिर ये आपकी स्क्रीन को इनवर्जन कर देगा, अब इनवर्ट करके आपको दिखाएगा इस तरह से, और चेक हटा देंगे तो फिर ये नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा होगा। बाजू का कुछ सेटिंग्स ऐसे आउट हो जाती है तो वो यहाँ से कंट्रोल हो रही होती है, ठीक है। तो ये मैग्नीफायर का फंक्शन है जो आपको बताया मैंने, यहाँ से यूज हो सकता है। अच्छा, मैग्नीफायर का चेंज, मैग्नीफाई व्यू भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा व्यू फुल स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ से क्लिक करके डॉक कर देंगे तो डॉक में क्या होगा, एक डॉक ऊपर आ जाएगा, ये आपको सारी चीजें जूम होकर ऊपर नजर आ रही है। तीसरा इसमें ऑप्शन है लेंस का, लेंस में क्या होगा, एक लेंस बन जाएगा, आपको जूम होकर चीजें उस लेंस के अंदर नजर आ रही है। अब लेंस की जो एडजस्टमेंट है साइज की, वही लेंस की जो साइज की एडजस्टमेंट है, इसकी विड्थ को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी हाइट को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं लेंस एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो फिर आपको वो हिसाब का जूम होकर नजर आएगा जो लेंस के अंदर होगा, अदरवाइज वो नॉर्मली आपको नजर आ रहा होगा, और फुल स्क्रीन करेंगे तो पूरी स्क्रीन आपको नजर आ जाएगी ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैग्नीफायर को आप एक्सेस कर सकते हैं, ऑफ कर दें, ये मैग्नीफायर ऑफ हो जाएगा। अब चलते हैं आगे अगले ऑप्शन की तरफ, कलर फिल्टर्स के ऊपर। कलर फिल्टर्स जैसे मोबाइल में कलर फिल्टर्स होते हैं, ऐसे इसके ऊपर भी फिल्टर्स किए हुए हैं, टर्न ऑन कलर फिल्टर कर देंगे, तीन ऑप्शन है आपके पास। इन्वर्ट कर दें, ग्रे स्केल में देख लें, ग्रे इन्वर्टेड देखें, इन्वर्टेड में कुछ इस तरह का व्यू हो जाएगा, ग्रे स्केल में ग्रेश व्यू हो जाएगा, हर पिक्चर वीडियो सब ग्रे हो जाएगी, और ग्रे इन्वर्टेड में ग्रे भी हो जाएगा और वो इन्वर्टेड भी हो जाएगा इसके साथ, तो वो नेगेटिव व्यूज में आपको नजर आ रहा है। अब ये ऐसा खराब हो जाए तो इसका आसान तरीका है कि इसको यहाँ से ऑफ कर दें तो ये इजीली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कंट्रास्ट के बाद, है हमारे पास हाई कंट्रास्ट। हाँ, ये बड़ा फीचर काम का है, रात के अंधेरे में आप कंप्यूटर को यूज करते हैं, लैपटॉप को यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्न ऑन हाई कंट्रास्ट कर देंगे। जैसे ही टर्न ऑन हाई कंट्रास्ट करेंगे तो ये देखिए आपकी स्क्रीन में ब्लैक विजन ऑड हो जाएगा। इसमें आप हाई कंट्रास्ट टू भी ले सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हाई कंट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पे अंधेरे में आपकी आंखों में स्नोचिंग नहीं होगी और आप इजीली रात के टाइम अंधेरे में इसको चला सकते हैं। हाई कंट्रास्ट व्हाइट और यहाँ पे क्लिक करके हाई कंट्रास्ट वन पर भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से ऑफ कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ओके। एक फीचर है इसके अंदर नैरेटर, अब नैरेटर फीचर का, नैरेटर के बारे में, नैरेट बयान करने वाला, तो ये फीचर क्या काम करेगा, ये फीचर जैसे उन लोगों के लिए जो थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, उनको दिखाई कम दे रहा है तो सुन के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके, तो जैसे इसको ऑन करेंगे तो स्पीकर आपके साथ अटैच होने चाहिए, तो करेगा कि हर चीज को रीड करके सुनाएगा, बट स्पीकर अटैच होने चाहिए, हेडफोन उस पर सुनाई देगा, जो माइक्रोफोन लगा हुआ है तो भी आवाज भी आएगी। जैसे ऑन करेंगे इसको, उसको पढ़ के सुनाएगा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएगा उसके बारे में, नैरेट करेगा, समझाएगा। तो ये मुख्तलिफ किसकी आवाज में सुनना है, आवाज की स्पीड कितनी रखनी है, पिच क्या रखनी है, वॉल्यूम लेवल क्या रखना है, ये उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं, आप इसको पर्सनल कंप्यूटर पे ट्राई कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे ऑडियो, ओवरऑल सिस्टम की जो वॉइस कंट्रोल है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ऑडियो पर आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने कंप्यूटर का वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ से भी आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं।
क्लोज कैप्शन में क्या है, मिसाल कोई पिक्चर आप अपने लैपटॉप वगैरह पे खोलते हैं तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो किस तरह से नजर आया आपको, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि कोई भी फोटो अगर आपके लैपटॉप पे खुलेगी और उसका जो टेक्स्ट की विजुअलाइजेशन है तो व्हाइट में नजर आए, ब्लू में नजर आए, सियान में नजर आए, ब्लैक में नजर आए, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, डिफॉल्ट ये है। और ट्रांसपेरेंसी जितनी हो, हल्की ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसलेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, या फिर डिफॉल्ट पे हो, या फिर उसका जो स्टाइल है वो क्या हो, मोनो स्टाइल पर हो या फिर डिफॉल्ट स्टाइल पर हो, कैप्शन साइज का 100 डिफॉल्ट पर हो या 200 पे रखा हो, कितना बड़ा हो, ये कर सकते हैं। लेकिन मतलब मैं तो उसको उतना यूज नहीं करता, लेकिन कभी इनकेस आपको सेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। स्पीच टॉप स्पीड ऑफ टाइप, अब ये फीचर है, इसको भी देखते हैं बाद में। तो कीबोर्ड पर चलते हैं। हाँ, कीबोर्ड की सेटिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें, यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, एक और कीबोर्ड है जो आपके इस कीबोर्ड के अलावा है, वो है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसे यहाँ से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया। ये कीबोर्ड आपको हेल्प करेगा टाइप करने में। लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो ये हेल्प कर देगा। बेसिकली ये कीबोर्ड दिया गया है इन्होंने, जो अब लैपटॉप आ रहे हैं, टच टच लैपटॉप, टच टैबलेट जो आ रहे हैं, उनके लिए ये फीचर दिया गया है कि वो डायरेक्टली इस टच करके चला सकते हैं। लेकिन अगर आप टच नहीं किए तो ये माउस से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपका कीबोर्ड फर्दर काम नहीं कर रहा है, कोई बटन खराब हो गया है, या फिर आपको छोटी मोटी टाइपिंग करनी है और आपको ऐसे झुक के टाइप नहीं करना, तो ये सिमिलरली इस कीबोर्ड से भी आप काम ले सकते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। ये यहाँ से ऑन ऑफ हो सकता है। यूज स्टिकी की, स्टिक माना होता है चिपक जाना। अभी देखिए, सेव करने की जो शॉर्ट की हमने पढ़ी थी, कंट्रोल एस, कंट्रोल को होल्ड करना है फिर एस दबाना है तो काम करेंगे। तो स्टिकी की इसको जब आप ऑन कर देंगे तो फिर ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मतलब अब आप कंट्रोल को अलग दबा दें, इसको अलग दबा दें, तो भी कमांड परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल दबा दें, अलग वो दबा दें, तो कमांड परफॉर्म हो जाएगी। मतलब अब बटन को एक साथ दबाने की जरूरत नहीं, अलग अलग दबा के भी हम उनसे काम ले सकते हैं। जैसे अभी हम देखे कंट्रोल अल्टर और डिलीट, मैंने अलग अलग दबाया और कमांड परफॉर्म हो गई। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट और स्केप, देखें ये कमांड भी परफॉर्म हो गई, काम हो रहा है। तो ये आप जब, अगर आप यूजर लेवल अपना लो है और आप बार बार दो तीन बटन को दबाने में हेजिटेशन या प्रॉब्लम फील करते हैं, तो इसको ऑन कर लें, फिर अलग अलग दबाएं, कमांड परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और ऑफ कर देंगे तो फिर एक साथ दबानी पड़ेगी। देखिए कंट्रोल शिफ्ट नहीं कर रहा काम, अभी तीनों को एक साथ दबाऊंगा तो ये जाके इस तरह से काम होगा। तो इसकी भी चीज इस तरह से काम करता है। टॉगल कीज, टॉगल कीज को ऑन करेंगे तो बस ये होगा कि कंप्यूटर को जब भी आप कैप्स लॉक ऑन ऑफ करेंगे, नम लॉक ऑन ऑफ करेंगे, तो ये आपको एक साउंड देगा, कोई भी एक बीप साउंड, टी टॉन, इस तरह का कोई साउंड देगा। ये जो सकते, अगर ये ऑफ कर देंगे तो वो साउंड नहीं देगा, इसलिए कि भाई बाजू का यूज कर रहे हो तो एकदम बटन पे हाथ लग गया तो वो एक साउंड दे रहा है, हाँ भाई चलो ऑन हो गया, ऑफ हो गया, इस तरह अपने आपको थोड़ा सा बेस्ट कम्युनिकेट कर लेंगे। यूज फिल्टर कीज, तो फिल्टर कीज में क्या होता है, जैसे कि सपोज कभी अगर मैं यहाँ पे कोई भी बटन दबा के रखूँ तो क्या होगा, वो बार बार रिपीट करता रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को होल्ड कंट्रोल करने के लिए फिल्टर कीज ऑन कर लें, आप देखेंगे आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, एक बटन को दबा के रखें, एक दफा इसे रिलीज करेगा। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए कि अगर वो थोड़ा सही नहीं टाइप कर पा रहे हैं या बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा बटन को क्विकली नहीं चला पा रहे, तो इसको ऑन कर लें, फिर वो उसका हल हो जाएगा, रिपीटेड की स्टॉक को छोड़ देगा, ऑफ कर देगी तो काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है प्रिंट स्क्रीन शॉर्टकट, ये भी बड़ा काम का ऑप्शन है। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं किसी भी हिस्से का एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, वो कैसे लेता हूँ, पहले मैंने इस बटन को यहाँ से ऑन कर रखा है, फिर कीबोर्ड में एक बटन है PRT स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन के नाम से, कीबोर्ड पे भी देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रीन। जैसे ही उसको दबाएंगे तो ये हमारा स्टेपिंग टूल का विंडो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद मैं किसी भी हिस्से का इस तरह से सिलेक्शन करूंगा और वो उसका फोटो लेगा, ठीक है। अब फोटो तो ले लिया मैंने, फोटो को कहीं रखना भी पड़ेगा, तो जैसे अगर मैं व्हाट्सएप पे सेंड करना चाह रहा हूँ व्हाट्सएप कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका फोटो बना के भी रखना चाह रहा हूँ तो पैंट खोल लेता हूँ मैं, अपने पास एक सॉफ्टवेयर पैंट जो हमारे कंप्यूटर में होता है ड्राइंग वगैरह करके, उसको खोल लें और उसमें जाके आप अपना जो भी आपने स्नैपशॉट लिया है उसको पेस्ट कर लें, ये देखो उसके अंदर एज अ पिक्चर में जोड़ता है। इसके बाद आप उसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके, सेव पे क्लिक करके कहाँ सेव करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, पिक्चर पर जाएँ और यहाँ पर जाके आप उसको सेव कर दें, सपोज प्रिंट स्क्रीन के नाम से, तो ये एक PNG फाइल यानी कि फोटो फाइल सेव हो जाएगी, जिस तरह आप होगा प्रिंट स्क्रीन, सही है। तो इस तरह आप उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा
डायरेक्टली अगर व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड करना है तो फिर वो मैसेज बॉक्स में जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे और फोटो वहां पे आ जाएगा। तो ये फीचर कब काम करेगा, जब आप इसको ऑन करेंगे फिर प्रिंट स्क्रीन पे काम करेगा। हाँ, अगर ये ऑफ है तो फिर ये सिलेक्शन पे काम नहीं करेगा, फिर प्रिंट स्क्रीन ऐसे काम करेगा पूरी तस्वीर ले लेगा, पूरी तस्वीर जो भी स्क्रीन होगी उसकी फुल फोटो ले लेगा। और फिर जहां भी आपको पेस्ट करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं इसको एमएस पेंट में दोबारा से पेस्ट करके बताऊँ आपको, ये देखिए फिर पूरी स्क्रीन की फोटो लेगा। इससे हमें एडिशनल सपोर्ट ये मिल जाती है कि सिलेक्टेड एरिया की फोटो हम लेने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि हाउ कीबोर्ड शॉर्टकट वर्क्स। अब कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आप देख रहे होते हैं ऊपर आ रहे होते हैं कुछ, तो आप इनमें देखेंगे, अगर थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करके आपको दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि फाइल के एफ के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, एडिट के ई के नीचे, फॉर्मेट के ओ के नीचे और व्यू के वी के नीचे अंडरलाइन आ रहा है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है ये इनकी शॉर्ट कीज है। अगर आप ये खोलना चाहते हैं फाइल को, ऐसे मैं खोलता हूँ कीबोर्ड से, कैसे खोलूंगा, ऑल्टर की जो है, ऑल्टर की के साथ जिनके नीचे अंडरलाइन आ रहा है वो दबाऊंगा खुल जाएंगे। देखिए ऑल्टर एफ, ठीक है, ऑल्टर ई, ऑल्टर ओ। अच्छा, अब जो अंदर कमांड है उनके नीचे भी शॉर्ट की जा रही है। जब एक दफा आप मेन्यू में दाखिल हो गए तो वो जिनके नीचे अंडरलाइन आ रही है उनको आप डायरेक्टली दबा सकते हैं इन साइड मेन्यू, आउटसाइड मेन्यू ऑल्टर के साथ, इन साइड मेन्यू डायरेक्टली, जैसे सही है। अब ये अंडरलाइन जो नजर आ रही है आपको इसकी वजह से नजर आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे बता रहा है ऑफ कर, ठीक है, तो अब चेक कर लें यहाँ पे, सही है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये आप अपनी सहूलत के लिए, मैंने ऑन कर रखा है आप भी अपने लिए ऑन कर सकते हैं, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड का सेक्शन, माउस का सेक्शन है, इसको भी उस पर करके देख लेंगे, इस वाले कीबोर्ड पे परफॉर्म होगा नहीं। अच्छा, आई कंट्रोल को देख लेते हैं। आई कंट्रोल क्या है कि एक डिवाइस आती है ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथ नहीं है, अब वो कंप्यूटर को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो डिवाइस सेंसर बेस्ड डिवाइस है, वो जैसे आप इसका कनेक्ट करेंगे उसको एक हेडफोन की तरह आप पहन लेंगे, उस पर फिर बोलने के लिए, कमांड के लिए माइक यूज होगा और सुनने के लिए नैरेटर यूज होगा और क्लिक्स के लिए आई कॉन्टेक्ट होते हैं उसके अंदर। तो इस तरह फिर वो लोग, एक हैंडीकैम जो लोग होते हैं वो इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिवाइस पहले हमें खरीद के फिर इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। वो फीचर भी है, आपको बताने का मकसद ये कि ऐसे लोग जो हैंडीकैम है और वो हाथ से कंप्यूटर नहीं चला सकते, तो ऐसी डिवाइसेज मौजूद है कि वो कंप्यूटर सीख के इस तरह से काम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट।